बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। दिस इज सर यासिर, सेकंड ईयर पाकिस्तान स्टडीज के चैप्टर नंबर 6 के साथ हम हाजिर हुए हैं आपके सामने। चैप्टर नंबर 6 जो है उसका नाम है दी लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की जबानें। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करेंगे, तो आई होप आप इंजॉय करेंगे और उसको जरा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये आपके सामने एक स्लाइड आ गई है बेटा। पहला एमसीक्यूज आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। दी वर्ड उर्दू हैज बीन एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी कि जो उर्दू का जो लफ्ज है ये किस जबान का लफ्ज है? ए तुर्किश, बी पर्शियन, सी हिंदी। राइट आंसर इज ए तुर्किश। ये तुर्किश यानी कि तुर्की जबान का लफ्ज है उर्दू। सेकेंड एमसीक्यूज, लैंग्वेजेस स्पोकन इन पाकिस्तान आर, तो पाकिस्तान में एक तकरीबन कितनी जबानें बोली जाती हैं? 20 से ज्यादा, मोर देन 20, मोर देन 30 या मोर देन 40। राइट आंसर इज मोर देन 30, यानी कि पाकिस्तान में 30 से ज्यादा जबानें जो है वो बोली जाती हैं। द नेक्स्ट एमसीक्यूज, द पोएटिक कलेक्शन ऑफ शाह अब्दुल लतीफ इज नोन एज, यानी कि जो शाह अब्दुल लतीफ कटाई है उनका जो एक जो शायरी का जो कलेक्शन है, जो उनका एक मजमुआ है, वो क्या कहलाता है? शाह जो नज़म, शाह जो गजल या शाह जो रिसालो? द राइट आंसर इज सी, शाह जो रिसालो। द नेक्स्ट एमसीक्यू, सचल सरमस वाज अ पोएट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो बड़े मशहूर शायर है सचल सरमस, वो किस जबान के शायर है? सिंधी, पंजाबी या पश्तो? राइट आंसर इज सिंधी, ए सिंधी। द नेक्स्ट एमसीक्यू, रहमान बाबा वॉज अ फेमस पोएट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि रहमान बाबा जो है वो किस जबान के मशहूर शायर हैं? ए सिंधी, बी पंजाबी, सी पश्तो। राइट आंसर सी, पश्तो जबान के बहुत मशहूर शायर हैं रहमान बाबा। द सिक्स्थ एमसीक्यूज, हीर रांझा वॉज रिटन बाय, एक मशहूर एक जो अफसाना या एक मशहूर एक जो कहानी है वो ये हीर रांझा के नाम से जो बड़ी मशहूर है, ये किसने लिखी? ए बुल्ले शाह, यानी कि शाह है ये, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, बुल्ले शाह ने, बी वारिस शाह या सी रहमान बाबा। राइट आंसर इज बी वारिस शाह। सेवन एमसीक्यूज, द फर्स्ट उर्दू पोएट हैव दीवान वॉज, यानी कि उर्दू का पहला जो दीवान है, दीवान कहते हैं मजमुए को, तो वो किसने तरतीब दिया? ए गालिब, बी मीर तकी मीर, सी कुली कुतुब शाह। राइट आंसर इज सी, कुली कुतुब शाह। दी एट एमसीक्यूज, द इनिशियल लिटरेचर ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड, यानी कि जो आपके जो एक मुकामी जो तहसीब होती है वो क्या कहलाती है? ए साइंटिफिक, बी रिलीजियस, सी फोक। राइट आंसर इज सी, फोक। द नाइंथ एमसीक्यू, सिंधी रिटन स्टाइल इज बेस्ड ऑन, तो सिंधी का जो रस्मुल खत है, जो सिंधी का लिखने का जो स्टाइल है, वो किस स्टाइल या किस जबान से वो मैच करता है या किस जबान से वो मेल खाता है? तो ए अरबिक, बी तुर्की, सी पर्शियन। राइट आंसर इज ए अरबिक। द नेक्स्ट एमसीक्यू, सिंधी रिटन स्टाइल वॉज इंट्रोड्यूस बाय, जो सिंधी जो जबान है उसका जो एक रिटन जो स्टाइल है इसका बकायदा जो उसका लिखने का जो स्टाइल है वो किसने इसको मुतारिफ कराया? ए शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने, बी सचल सरमस ने या सी अबू अल हसन ने। तो राइट आंसर इज अबू अल हसन, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज, वारिस शाह वाज अ फेमस पोएट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि वारिस शाह जो है वो किस जबान के मशहूर शायर हैं? ए सिंधी, बी पंजाबी, सी पश्तो। राइट आंसर बी पंजाबी। द नेक्स्ट एमसीक्यूज, गुल खान नसीर वाज अ फेमस पोएट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि गुल खान नसीर किस जबान के मशहूर शायर हैं? सिंधी के, पंजाबी के, बलोची के? राइट आंसर इज सी, बलोची। खुशहाल खान खट्टक वाज अ फेमस पोएट ऑफ लैंग्वेज, खुशहाल खान खट्टक किस जबान के मशहूर शायर हैं? सिंधी, पंजाबी या पश्तो? राइट आंसर इज सी, पश्तो। बाबा बुल्ले शाह एंड सुल्तान बाहू वेयर फेमस पोएट ऑफ लैंग्वेज, ये दो मशहूर शख्सियात बाबा बुल्ले शाह और सुल्तान बाहू किस जबान के मशहूर शायर रह चुके हैं? ए सिंधी, बी पंजाबी, सी पश्तो। राइट आंसर बी, पंजाबी जबान के मशहूर शायर रह चुके हैं। द 15 एमसीक्यू, सचल सरमस वाज अ फेमस पोएट ऑफ लैंग्वेज, किस जबान के मशहूर शायर है सचल सरमस? ए सिंधी, बी पंजाबी, सी पश्तो। राइट आंसर ए सिंधी। नेक्स्ट एमसीक्यू, मोहनजोदड़ो इज इन द प्रोविंस ऑफ, कि मोहनजोदड़ो जो एक तहसीब उसके आसार दरियास्त हुए पाकिस्तान में, ये किस सूबे में वाक़ है? सिंध, पंजाब या केपी के? राइट आंसर इज ए सिंध।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।